Hi friends, in this video we will discuss that if I be a homomorphism of a ring R into a ring R' and S' be the homomorphic image of R into R', then S' be the subring of आर डेस ठीक है सो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर दो रिंग हम दैट इज और हमले दोनों के बीच में इंटू डिफाइन किए दैट इज ठीक है इन टू जो ऑन टू नहीं है दैट मीनस आर डेस के पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैपिंग आर के साथ आर के एलिमेंट्स के साथ नहीं हुआ है ठीक है नाउ ये क्या बोल रहा है एस डैस बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इंटू आर डैस एस डेस का मतलब कि हम वो से लिए हैं आर डैश में सच दैट जिनका मैपिंग आर के एलिमेंट्स के साथ हुआ है दैट इज हम यहाँ पे माने कि ये मान रहे हैं कि ए का मैपिंग ए डैस के साथ हुआ है बी का बी डैस के साथ सी और डी का मैपिंग सी डैस के साथ तो ये जो गिवन सेट है जिसके पास कोई मैपिंग मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है आर डैस में दैट इज जिसका मैपिंग हुआ है आर डैस के किसी एलिमेंट्स के साथ वो सेट को हम एस डैस से डिनोट किए और हमको ये दिखाना है कि एस डैस जो है वो एक सब रिंग है आर डैस का ठीक है सो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको होमोमॉर्फिज्म का और सब रिंग का क्या डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए ठीक है सो अकॉर्डिंग टू होमोमॉर्फिज्म अगर हम फाई ए प्लस बी करते हैं सो इक्वल टू होता है फाई ए फाई बी के बराबर और फाई ए डॉट बी करते हैं दैट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो होता है फाई ए डॉट फाई बी ठीक है सो so ये होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन है और सब रिंग का कंडीशन को हमको प्रूफ करना होगा सब सब रिंग का कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं ना सब रिंग का कंडीशन दैट इज हम नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन को देख रहे हैं सो so, वो क्या बोलता है कि अगर ए डैस और बी डैस एस डैस से बिलोंग कर रहा है तो ए डैस माइनस बी डैस जो है वो भी एस डैस में बिलोंग करना चाहिए और ए डैस अंडर मल्टीप्लीकेशन बी डैस वो भी एस डैस में बिलोंग करना चाहिए ठीक है सो हम होमोमार्फिजम का कंडीशन को यूज करके एस डैस को एक सब रिंग प्रूव करने वाले हैं ये चीज को शो करके ठीक है सो सबसे पहले हम फाइल ले लेते हैं एक होमोमॉर्फिक जो कि डिफाइन हो रहा है रिंग आर इन टू आर रिंग आर के साथ ठीक है एस क्या है एस होमोमॉर्फिक इमेज है आर आर डेस का ठीक है ना Then we need to show that S dash is a सब रिंग ऑफ आर डैस ठीक है तो हमको क्या शो करना है कि S dash जो है वो एक सब रिंग है R dash का Now हमको दो एलिमेंट चाहिए थे तो हम ए डैस और बी डैस मान लिए कि एस डैस में आता है ठीक है so, सो क्योंकि ए डैस और बी डैस एस डैस में आता है और एस डैस को हम क्या डिफाइन किए होमोमोर्फिक इमेज तो उस उसके चलते क्या होगा वहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही लेट दैट इलिमेंट से ए और बी बिलोंग्स टू आर सच दैट फाइव ए इज इक्वल टू ए डैस एंड फाइव बी इज इक्वल टू बी डैश ठीक है ना हमको ए डैस माइनस बी डैस को प्रूफ करना है कि वो एस डैस में बिलोंग कर रहा है तो हम सबसे पहले लिखे ए डैस माइनस बी डैस नाउ ए डैस का वैल्यू क्या है फाइव ए है बी डैस का वैल्यू क्या है फाइव बी है सो फाइव ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम ये देखे हैं कि अगर f a रहता है दैट इज f माइनस माइनस एफ ए को हम लोग f माइनस ए लिख सकते हैं ठीक है सो so, अगर ये है तो ये लिख सकते हैं सो so, हमारे पास माइनस फाइव बी था तो हम इसको फाइव ए प्लस फाइव माइनस बी लिख लिए ना अकॉर्डिंग टू होमोमोर्फिज्म फाइव ए प्लस फाइव बी को हम लोग फाइव ए भी लिख सकते हैं सो फाइव ए प्लस फाइव बी को हम फाइव ए भी लिख दिए फाइव ए बी दैट इज प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस तो हमको मिला फाइव ए माइनस बी फाइव ए माइनस बी तो फाइव ए माइनस बी जो है वो तो एस डेस में बिलोंग करेगा ही क्योंकि हम क्या माने हैं कि एस डेस कैसा सेट है जो आर का होमोमॉर्फिक इमेज हो रहा है दैट इज वहां पे फाइव फंक्शन के साथ जिस एलिमेंट्स का होमोमॉर्फिक इमेज हो रहा है आर डैस के एलिमेंट के साथ वो एस डैस में बिलोंग करता है तो फाइव ए माइनस बी जो है वो एस डैस में बिलोंग कर गया और एस डैस में बिलोंग कर गया तो हम क्या देखें कि ये इसका वैल्यू क्या था यही था तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा दैट इज ए डैस माइनस बी डैस जो है वो एस डैस में बिलोंग कर गया ठीक है सो फर्स्ट कंडीशन टू बी अ सब रिंग ये हम लोग शो कर दिए सेकेंड कंडीशन के लिए हम एडस माइंड एड एस डॉट बी डैस लेने वाले हैं सो एडस डॉट बी डैस इज इक्वल टू हो गया एडेस का वैल्यू फाइव ए बी डैस का वैल्यू फाइव बी ठीक है और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइव ए डॉट फाइव बी को हम लोग फाइव ए बी लिख सकते हैं सो फाइव ए डॉट फाइव बी को हम लोग फाइव ए बी लिखे ना फाइव ए बी जो है वो फिर से एस डैस में बिलोंग करेगा जैसे ये एस डैस में बिलोंग कर रहा था तो हमको ये मिला कि ए डैस डॉट बी डैस जो है वो भी एस डैस में बिलोंग करेगा दैट दी डैस बिलोंग टू एस डैस ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस डैस एंड ए डॉट बी ए डैस डॉट बी डैस ऑल्सो बिलोंग टू एस डैस मतलब कि हम बाय द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि एस डैस जो है वो एक सब रिंग है आर डैस का ठीक है सो वी हैव प्रूव द थ्योरम, सो so, यहाँ पे एस डैस बी अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर ही होगा आर डैस नहीं होगा ठीक है